हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गोल्डी सिंह और आज मैं आपको चार्ट पेपर से एक फ्लावर रखने का स्टैंड बनाना बताऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, जिस पे ये मैंने फ्लावर रखा है कितना दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो जो इसका ये स्टैंड है आपको मैं आज ये बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए आपको इस स्टैंड को बनाने के लिए आपको तीन चार्ट पेपर की आवश्यकता होगी और तीन चार्ट पेपर को ऐसे इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे हम। जो इसकी लंबाई है वो है 8 सेंटीमीटर और जो इसकी चौड़ाई है वो 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम काट लेंगे और इसको फोल्ड कैसे करना है, इसको दो हिस्से में बराबर ऐसे हम फोल्ड करेंगे। बराबर फोल्ड करने के बाद फिर इसको एक बार और हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर जो ये बीच से निशान दिख रहा है हम यहीं से इसको हम ऐसे करेंगे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये बनाना बहुत ही आसान है। इसको फोल्ड करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको पीछे ऐसे उल्टा कर लेंगे। फिर पीछे से यहाँ से हम हल्का हल्का इसको बराबर में ऐसे छाट लेंगे थोड़ा थोड़ा। इसको छाटने के देखिए फ्रेंड्स, इसको छाटने के बाद जो हमने इस तरह से फोल्ड किए थे, फोल्ड करने के छाटने साइड साइड से थोड़ा छाटने के बाद इसको हम यहीं से ऐसे फोल्ड करेंगे। यहाँ पीछे साइड से ऐसे फोल्ड करने के बाद ये जो दिख रहा है यहाँ बीच से बिल्कुल ऐसे मोड़ेंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये इस तरीके से ये बन के हमारा तैयार है। ऐसे हमने बहुत सारे पहले से ही बना करके इस तरीके से रख लिया है ऐसे। देखिए अब इसको ऐसे हम क्या करते हैं, एक दूसरे में ऐसे फंसा करके ये रख देते हैं ऐसे, ताकि जो ये है ये बनाने में बहुत इजी रहे। इस तरीके से एक दूसरे में फंसा करके फिर इसे जब हम निकाल करके ऐसे निकाल करके रख देते हैं तो जो इसका शेप है ऐसे ही दिखता है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, इसको ज्वाइंट कैसे करना है, दो को मैं ऐसे साथ में रख के लेंगे और एक दूसरा लेकर के अलग से इसको हमें एक इसमें फंसाना है और एक इसमें फंसाना है, ऐसे करके इसको ज्वाइंट कर देना है। फिर इसके साइड में हम एक ऐसे लेंगे, फिर यहीं से इसको हम ऐसे ज्वाइंट करते जाना है हमें। ऐसे ही हमें 20 ज्वाइंट करना है एक दूसरे में। देखिए इसमें चार ही है, ऐसे चार में हमें 20 ऐसे ज्वाइंट करना है। पास में रखेंगे एक, फिर एक इसमें और एक इसमें, इस तरीके से ये फंसाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने ये 20 पूरा ये आधा हमने आधा कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हमें इसे ज्वाइंट कैसे करना है, ये अलग से लेंगे और एक इस वाले में और एक इस वाले में लेकर के ऐसे हम फंसा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारा ये पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया है ये करके, और ऐसे लेकर के फिर इसमें एक राउंड और बनाना है, ऐसे ही ज्वाइंट करते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे ही हम ज्वाइंट करते जाएंगे, इस लाइन को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे बना करके। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट हुआ है, ये राउंड जो हमने बताया था अभी वो कंप्लीट कर दिया। ठीक इसी तरीके से इसमें हमें एक लाइन और बनाना है ऐसे ही। बस ये ध्यान आपको बस यही ध्यान रखना है, इसमें जो ये डबल डबल दिख रहा है एक इसमें से और एक इसमें से लेकर के ऐसे बनाएंगे, ऐसे फंसाएंगे इसमें, ऐसे ऐसे ही बनाते जाना है इसे। इस राउंड को भी ऐसे ही कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा 5 राउंड बनके कंप्लीट है, आप देख सकते हैं। बस सिंपल तरीके से, बस इसमें जो कुछ बढ़ाना नहीं है, बस ऐसे ज्वाइंट करते हुए हमें लेके आई हूँ। ये 5 राउंड कंप्लीट कर दिए हैं। कंप्लीट करने के बाद देखिए इसके पीछे इस तरीके से ये दिखेगा ये बनने के बाद। फिर अब हमें इसमें क्या करना है, हमें अलग कलर का लिया है हमने, आप चाहे तो कोई और भी कलर ले सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। अब इसमें हम यहाँ से लगाएंगे ऐसे ऐसे, कलर चेंज कर दिया हमने इसमें। अब 3 लेंगे, फिर इसमें 2 छोड़ देंगे ऐसे, एक और 2 पंखुड़ी के लिए इसमें छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट चलेंगे इसमें ऐसे, ये हमने 2 इसे छोड़ दिया है, एक इसमें और एक में जो फंसाएंगे वो इसे छोड़ करके और फिर नेक्स्ट पे बढ़ गए। फिर ऐसे हम इसमें 3-3 ये लेंगे अलग कलर से, अलग कलर का ऐसे। फिर हम 1 और ये 2 ऐसे छोड़ करके फिर हम यहाँ से लेंगे,
ये बनके कंप्लीट है। अब स्काई ब्लू को छोड़ करके फिर ये जो ये फ्रेंड्स देखिए, अब ये हमारा एक राउंड फिर ये कंप्लीट है। मैंने ये दो बूटे छोड़ करके इसमें से फिर ये हमने तीन ये लगाया है, तीन अलग कलर का। फिर इसमें से भी हम एक छोड़ेंगे, एक छोड़ने के बाद फिर यहाँ से हम इस तरीके से करेंगे। इसको हम एक कर लेंगे, इस तरीके से बनाना है। इसमें हमें नहीं बनाना है, फिर ये जो ये वाला हिस्सा दिख रहा है, फिर इसमें भी हमें ऐसा ही करना है। पहले हम इसमें एक साइड से छोड़ेंगे और इसमें ये फंसाएंगे, ऐसे करेंगे, फिर इसे हम एक करेंगे इस तरीके से, ऐसे करके फिर इसे भी हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। हमारा स्टैंड बनके फ्लावर स्टैंड बनके तैयार हो गया। इस तरीके से हम फ्लावर स्टैंड बनाएंगे। देखिए ये बनाना बहुत ही इजी है। अब ये बनाने के बाद इसमें हम फ्लावर को रख सकते हैं ऐसे। इसके फ्लावर मैंने इसके पहले जो वीडियो मैंने बनाया है, इस फ्लावर को कैसे बनाना है हमने बनाना बताया है। अब इसके वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते। देखिए फ्रेंड्स, अब इस तरीके से हमारा पूरा ये जो हमारा फ्लावर स्टैंड है, ये हमारा पूरा बनके कंप्लीट है। इसमें हमने फ्लावर लगा के देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अगर मेरा आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने ग्रुप में अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।